नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए एक और नई जॉब लेके आ गया हूँ। ये जॉब जो है आपके यूपी में ही होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यूपी के जो जो सिटी में आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है वो है लखनऊ, जौनपुर और कानपुर, ठीक है। और इसमें ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है, केवल 12th पास ही मांगा गया है। तो चलिए पूरे डिटेल समझते हैं इस जॉब के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूँ, हायरिंग जो होने वाली है 12th पास के लिए बैंक ATM में कैश डालने के लिए होने वाली है, ठीक है। इनको जो लड़के चाहिए, 20 लड़के लखनऊ में चाहिए, जो कि यूपी में है लखनऊ, इनके लिए चाहिए। अगर आसपास के 50 किलोमीटर के कैंडिडेट भी आ सकते हैं, अगर आपकी घर लखनऊ से 50 किलोमीटर के रेंज में है तो आप भी इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। 20 लड़के इनको लखनऊ के लिए चाहिए, 20 लड़के इनको जौनपुर के लिए चाहिए। जौनपुर के लिए क्या करना है कि जिनका आधार कार्ड जौनपुर का है सिर्फ उन्हीं का ज्वाइनिंग होगा, वही जा सकते हैं, ठीक है। 20 लड़के इनको कानपुर के लिए चाहिए, कानपुर के भी वही है, अगर आसपास के 50 किलोमीटर की दूरी पर आपका घर है इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 20 लड़के इनको वाराणसी में चाहिए, बनारस में चाहिए, जिनका आधार कार्ड वाराणसी का हो वही इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। ये था कि आपको किस सिटी में जॉब मिलेगी और कौन कौन जा सकता है। जितना भी सिटी आपको बताई है, सिटी का इंटरव्यू अपनी सिटी के ऑफिस में होंगे और ज्वाइनिंग अपनी अपनी सिटी में मिलेगा। यानी कि जो आपका इंटरव्यू होने वाला है आपके सिटी में, उनका ऑफिस जहाँ पे है, जैसे जौनपुर का ऑफिस वाराणसी में है तो वाराणसी में इंटरव्यू होगा, लेकिन जो आपकी ज्वाइनिंग होगी वो जौनपुर में होगी। यानी कि मैंने जो आपको सिटी बताया, सिटी में ही आपकी ज्वाइनिंग होगी, परमानेंट आपकी ज्वाइनिंग वहीं रहेगी। सिर्फ इंटरव्यू के लिए आपको अपने सिटी के ऑफिस में जाना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इंटरव्यू डेट, टाइम और एड्रेस, ये तीनों अगर आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं प्रवीण सर का नंबर दूंगा, उनसे आपको बात करना है। बिना बात किए आपका इंटरव्यू एड्रेस या टाइम नहीं पता चल पाएगा, उनसे बात करिए, लिस्ट में नाम लिखवाइए, तब जाके आपको एड्रेस पता चलेगा, ठीक है। उसके पहले मैं आपको बता दूँ इसमें काम क्या करना है। काम आपका है कि ATM में कैश लोडिंग और अनलोडिंग करना है, यानी कि आपको कंपनी के वैन में बैठकर जाना है और बैठकर आना है। कंपनी के वैन में बैठ के जाएंगे आपको ATM मशीन में, पैसे डालने हैं, उसके बाद फिर वापस आना है। जो आपकी सैलरी होने वाली है, सैलरी की बात कर लूँ, 10,500 रुपये 26 दिन की इन हैंड सैलरी होने वाली है, ठीक है। 10 घंटे की ड्यूटी है, प्लस 400 रुपये मोबाइल रिचार्ज को आपको अलग से मिलेगा। अगर आप संडे को काम करते हैं यानी छुट्टी के दिन काम करते हैं तो आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। आपको जॉब करनी है, इसमें फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है इसमें जो क्राइटेरिया रखी गई है कि किसी भी कैश मैनेजमेंट में काम किया कैंडिडेट ना आए। अगर आपने पहले ही किसी कैश मैनेजमेंट में काम किया है तो आप बिल्कुल भी इंटरव्यू देने के लिए मत जाए। और आपकी एज जो है 18 से 35 साल होनी चाहिए, केवल मेल के लिए। उसके बाद इनकी अगली क्राइटेरिया है कि इंटरव्यू में सिलेक्शन के बाद 15 दिन के अंदर ज्वाइनिंग के समय दो गवर्नमेंट जॉब वाले या प्राइवेट जॉब वाले गारंटर देने होंगे और पुलिस वेरिफिकेशन भी कराने होंगे, ठीक है। जब आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा, ज्वाइनिंग के 15 दिन से पहले ही आपको सारा काम करवा लेना है, दो गारंटर जो कि प्राइवेट जॉब करते हो या फिर सरकारी जॉब करते हैं, और पुलिस वेरिफिकेशन, ये आपको देने हैं, ठीक है। जो भी कैंडिडेट चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो लोग तुरंत, मैं सबने मोबाइल नंबर दिया हूँ, जाके उस पर कॉल करें, प्रवीण सर से बात करें और अपना नाम लिस्ट में लिखवाएं और एड्रेस, टाइम, इंटरव्यू का तुरंत प्राप्त करें, ठीक है। और जो कॉल का टाइम है, मैं पहले आपको बता देता हूँ, कॉलिंग का जो टाइम है 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में ही कॉल करिएगा, तभी आपकी कॉल पिकअप की जाएगी, तभी उठाई जाएगी। और कैंडिडेट अपना रिज्यूम प्रवीण सर के व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं, बात करने के बाद व्हाट्सएप पर भेजिएगा और अपना नाम लिखवा के जाके इंटरव्यू दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों ये था आज की जॉब, बहुत ही अच्छी जॉब है, परमानेंट जॉब है, आप एक बार ट्राई जरूर करिए, प्रवीण सर से बात करिए और अपना नाम लिखवाइए लिस्ट में और जाके इंटरव्यू दे के आइए, और जॉब लगने के बाद हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जॉब के साथ।